को किसी ने चोरी कर लिया है आपको यीशु मसीह की मृत्यु पर यकीन नहीं है होता तो कभी आप अपने आप को पापी नहीं कहते कोई बात नहीं रात को पाप हो गया है पर परमेश्वर ने तुमको बुद्धि दिया है। सुबह उठते बराबर उस गलती को माफी मांग लो तो फिर पाप नाम पर नहीं रहेगा आप धर्मी रहिएगा ऑलवेज यू बी राइचियस गलती हो सकती है परंतु तत्काल परमेश्वर से माफी मांग लें और फिर से धर्मी हो जाएं और फिर से वैसे ही चलने लगे जैसा पहले चल रहे थे ऐसा चलने वाला व्यक्ति अपने आप को आत्मिक, आत्मिक रीति से धर्मी बनाने वाली प्रतिज्ञा को बचा लेता है ठीक है इसके बाद में प्रभु धर्मी बनाने के बाद हमको पवित्र आत्मा दे देते हैं तो जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला या जिन लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया है उन लोगों को कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा के दिए जाने वाली प्रतिज्ञा को शायद सामने वाले ने चोरी कर लिया होगा इसलिए तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा है आपका जहाज डूब गया योर फेथ टू रिसीव दिन स्पिरिट आज कितने करोड़ लोग हैं जो बेचारे शैतान के द्वारा चोरी कर लिए गए इस मामले की तेरे को तो पवित्र आत्मा मिल ही नहीं सकता ये तो पेंटिकॉस्टल लोगों को मिलता है हम तो सी और सी एस आई वाले हैं अपने लिए नहीं है बोले आपके माथे पर किसी ने चोरी का सील लगा दिया है कि आत्मिक प्रतिज्ञाएं तुम्हारे जीवन पर पूरी ना हो पवित्र आत्मा का दिया जाना पिता की ओर से प्रतिज्ञा है और जो इस प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं करते हैं उनके अंदर में पवित्र आत्मा प्राप्त करने वाली प्रतिज्ञाओं की चोरी हो गई फिर उसके बाद में पवित्र आत्मा पा लिया आपने तो पवित्र आत्मा पाने के बाद में हमको ना पवित्र आत्मा क्या बात के लिए देता है दिया जाता है पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाता है जिससे कि वह नौ ईश्वरी अनुभव आपकी जिंदगी में जोड़ दे ठीक है लिखते चले जाएं सो पवित्र आत्मा हमें नौ ईश्वरीय अनुभव प्रदान करने के लिए दिया जाता है अब आप बताइए पवित्र आत्मा पाने के बाद किसको किसको यह विश्वास है कि वह मुझे प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम देगा जो इन नौ अनुभवों से वंचित हैं जो ईश्वरीय नौ अनुभव नहीं पा पाते हैं ना उनके दिमाग से शैतान ने इन नौ अनुभवों का विश्वास खारिज कर दिया आपके अंदर से पवित्र आत्मा के नौ ईश्वरीय अनुभव प्राप्त करने का विश्वास चोरी हो गया आपने अपने नौ अनुभवों को प्राप्त करने वाले विश्वास की रक्षा नहीं की इसलिए प्रेम नहीं है आनंद नहीं है धीरज नहीं है कृपा नहीं है भलाई नहीं है विश्वास नहीं है संयम नहीं है यदि ये नौ अनुभव वाला विश्वास होता तो ये नौ अनुभव आपकी जिंदगी पर लक्षणों में दिखाई देते आज कितने लोग हैं जो इस नौ अनुभवों को खो चुके आपको क्या लगता है नौ अनुभव वाला विश्वास आपके अंदर है होता तो मिलता ना क्यों नहीं है प्रेम क्यों नहीं है आनंद क्यों नहीं है धीरज क्यों नहीं है विश्वास नम्रता संयम क्योंकि चोरी जो हो गया तो आपने विश्वास की रखवाली की क्या अरे उस दुश्मन से लड़ा जो आपके नौ अनुभवों को प्राप्त करने से रुकावट पैदा कर रहा है आपके विश्वास को पंचर कर देता है Why we are वी आर लूजिंग द नाइन डिवाइन our इन आवर प्रैक्टिस बिकॉज वी लॉस्ट upon द नाइन डिवाइन experiences। हमें पवित्र आत्मा पर विश्वास हो सकता है पवित्र आत्मा के नौ अनुभवों को तो आप विश्वास में लाते ही नहीं बोले मेरे लिए नहीं है प्रेरितों के लिए है तो ले गया ना चोरी करके सामने वाले ने फिर उसके बाद में नौ वरदान आप में से कितने लोगों के पास में नौ में से कोई तो भी एक दो वरदान होगा डू यू हैव एनी गिफ्ट क्यों नहीं है आज वरदान नहीं जी मेरे को चंगाई का वरदान नहीं है क्यों नहीं है नहीं मेरे को भविष्यवाणी का वरदान नहीं क्यों नहीं है नहीं मेरे को ज्ञान का वरदान नहीं क्यों नहीं है क्योंकि हमने वरदानों वाले विश्वास को खो दिया है दुष्ट ने आपके अंदर से नौ वरदान को प्राप्त करने वाली चिपी निकाल के अलग कर दी है यह हमारे लिए नहीं है पास्टर के लिए है हर विश्वासी के लिए प्रभु ने नौ वरदान रखे हैं पर आपने विश्वास खो दिया इसलिए वरदान मिलता ही नहीं पहले हाथ उठा दिए नहीं जी मेरे को नहीं मिलने वाला है तो शैतान बोलेगा आमिन मिलेगा भी नहीं जिंदगी भर मैं जो खड़ा हूं तेरे सामने तेरी चिप निकाल ली है मैंने आपने कभी सपने में कल्पना ही नहीं किया कि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं जिस दिन तुम भविष्यवाणी करने का विश्वास अपने अंदर जगा लोगे उसके हफ्ता पंद्रह दिन के अंदर पवित्र आत्मा तुमसे बातचीत करना शुरू कर देगा जिस दिन तुम विश्वास करोगे कि पवित्र आत्मा मुझे छुटकारे की सेवा देगा उस दिन आपके जीवन से छुटकारा आपके जीवन के द्वारा छुटकारा शुरू हो जाएगा भाई छुटकारा मिलेगा तुम्हारी सेवकाई के द्वारा बोल के शैतान ने तो पहले चोरी कर लिया तुम्हारे विश्वास का तो जहाज तो पहले डूबा हुआ है वरदान वाला विश्वास वरदान वाला जहाज जब वरदान का विश्वास ही खत्म तो वरदान का जहाज डूबेगा नहीं क्या दैट्स अ पॉइंट इसी कारण से आज कितने लोग वरदान पाने के काबिल हैं पर नहीं पाना चाहते हैं क्योंकि आपके माथे में कोई बैठा है उससे लड़ना नहीं सीखा तुमने कौन बोला तुम्हारी प्रार्थना से छुटकारा नहीं होगा मुझे नाम बताइए हैं? नहीं मैं मैं खुद ही सोचा अच्छा तुम खुद ही सोचे क्यों तुम ईशु ईशु पापा की जिसने प्रतिज्ञा दी उसके मां बाप को किया है? कभी नहीं टलने वाले वचन कभी ना मरने वाला प्रभु दिया उससे ज्यादा अकल आ गई क्या हमारे पास कौन बोला तुम्हें वरदान नहीं मिलेगा कौन बोला तुम भूत नहीं निकाल सकते कौन बोला तुम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हमने पहले ही विश्वास खो दिया है तो वरदान मिलने का सवाल ही नहीं उठता है हाउ मेनी प्रोमिस द स्पिरिचुअल प्रोमिस गॉड इज गिवन एस

मैं भविष्यवाणी करने के लिए लड़ूंगा मैं नो फलों को प्राप्त करने के लिए लड़ूंगा मैं अपने आप की धार्मिकता को संभालने के लिए लड़ूंगा इसलिए लड़ाई है हमें नहीं मालूम किससे लड़ना चाहिए आप किससे लड़ते रहते हैं जिससे लड़ना चाहिए उससे तो नहीं लड़ते बेफिजुल में आपस में लड़ते रहते हैं समझ रहे हैं बात मेरा परमेश्वर आपकी आंखें खोल दे